नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में। आज की डेट है 9 मार्च 2020 और आज के इस वीडियो में हम लोग इस सप्ताह का छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर एनालिसिस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने 2 मार्च तक के छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर को एनालिसिस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक के छत्तीसगढ़ में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। और आप लोगों को पता है कि हम लोग जब भी जिस छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का वीडियो एनालिसिस करते हैं उससे पहले वाले वीडियो को इस वीडियो में रिवाइज भी करते हैं। तो हमने छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का जो पिछला वीडियो डिस्कस किया था उसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको एक बार रिवाइज भी करेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में। तो जो भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है उसका नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए। शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे कंपटीशन कम्युनिटी परिवार की तरफ से। मैंने तो होली खेल लिया, आप लोग भी खेल लीजिएगा, लेकिन सरकार ने यहाँ पर संदेश भी जारी किया उसका भी ध्यान रखिएगा। कम से कम लोगों से मिलिए, कम से कम रंग और गुलाल का इस्तेमाल कीजिए कोरोना वायरस की वजह से। स्वस्थ होली मनाइए, स्वच्छ होली मनाइए, सेहत का ख्याल रखें। और आप लोगों के लिए तो सेहत बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखता है। तो आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो इसके लिए आप लोग स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए होली एंजॉय कीजिए, लेकिन बिल्कुल कीजिए, लेकिन ध्यान रखते हुए सावधानी पूर्वक, ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के लिए है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कॉम्पिटिशन कम्युनिटी का मोबाइल कोर्स आप लोग अगर चाहो तो इसे परचेज करके आप लोग अपना तैयारी कर सकते हो कंप्लीट। यहाँ पर CGPSC प्रारंभिक परीक्षा की अगर तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे इस मोबाइल कोर्स के माध्यम से कर सकते हो। इस मोबाइल कोर्स को परचेज करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, www.competitioncommunity.com पर यहाँ पर आप विजिट कीजिएगा, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है। एक बात और, यहाँ पर अभी फ्लैट 25% का ऑफ चल रहा है, 4200 रुपये इसके प्राइजेस की जगह मात्र आपको 3100 रुपये में आप CGPSC प्रीलिम्स की तैयारी घर बैठे बेहतर क्वालिटी के कंटेंट के साथ में आराम से कर सकते हो। यह मोबाइल कोर्स तो हमारा पहले से लॉन्च है, लेकिन आप लोगों के लिए एक होली सरप्राइज है अगर आप लोग चाहो तो। क्या है इसमें, अगर आप चाहो तो हम CGPSC मेंस के लिए मोबाइल कोर्स लेकर आ सकते हैं। जो बच्चे अभी मेंस का पेपर दिलाने वाले हैं उन लोगों के लिए यह प्रोग्राम हो सकता है अगर आप चाहो तो। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं कि आपका पूरा CGPSC का मेंस का सिलेबस को अभी कवर करवा के मोबाइल कोर्स में दे दिया जाए, क्योंकि इसमें वक्त लगता है। तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको कौन से प्रश्न पत्र का कौन से भाग का वीडियो चाहिए। अगर मान लो कि आपको पेपर नंबर 7 का पार्ट 1 समझ नहीं आता, पेपर नंबर 7 का पार्ट 2 नहीं समझ आता, पेपर नंबर 1 का कंटेंट चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, उस टॉपिक या फिर उस पार्ट का वीडियो हम लोग इस मोबाइल कोर्स में आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा देंगे। और आपका जो पूरा वीडियो होगा मोबाइल कोर्स वाला पूरा इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनाया जाएगा, ताकि आप आसानी से घर बैठे एक बेहतर कंटेंट के साथ में पढ़ सको। तो आप लोग 2 दिन का वक्त है, होली का छुट्टी है, आराम से घर में बैठकर सोचिए कि आपको कौन से पार्ट का वीडियोस चाहिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा खासा रहा तो हम लोग CGPSC मेंस के लिए मोबाइल कोर्स जो है वो पार्ट वाइज लॉन्च कर सकते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइएगा। और 2 दिन बाद जो पोल क्रिएट किया जाएगा, फेसबुक पे क्रिएट कर दिया जाएगा, टेलीग्राम पे क्रिएट कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर भी आप लोग बता सकते हो कि इस पार्ट का आपको मेंस के लिए वीडियोस चाहिए यानी कि मोबाइल कोर्स चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि देश की पहली नालसा विधिक सहायता हेल्पलाइन केंद्र की शुरुआत कहाँ से की गई है। ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर या फिर दुर्ग, ठीक है। क्वेश्चन को कहाँ अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, नीचे कमेंट सेक्शन में करना है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है देश का दूसरा सरकारी उपक्रम का स्टील प्लांट होगा कौन सा, बताइए। नगरनार स्टील प्लांट, गिदम स्टील प्लांट, अबूझमाड़ स्टील प्लांट या फिर दंतेवाड़ा स्टील प्लांट, क्या होगा इसका नाम। पहला सरकारी उपक्रम का स्टील प्लांट कौन सा है, भिलाई स्टील प्लांट। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हाल ही में जो सरकार का दूसरा उस सरकारी उपक्रम का जो स्टील प्लांट होगा वो कौन सा होगा, तो इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में विधानसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 31 जनवरी 2020 तक प्रदेश सरकार पर कितने करोड़ का कर्ज है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था। तो बताओ आंसर क्या होगा, 58,000 करोड़, 40,000 करोड़, 39,000 करोड़ या फिर 45,000 करोड़।
नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आज हम लोग आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। मैंने पहले ही बताया ज़्यादा कंटेंट नहीं है, 5 से 6 कंटेंट है। मेंस के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो जो पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर देखो, आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में है। आप लोगों को पता है कि नीति आयोग की तरफ से कुछ आकांक्षी जिलों का चयन किया गया है। ये आकांक्षी जिला खासकर देश के पूरे जिलों में से जो सबसे पिछड़े जिले हैं उसका चयन किया गया है, और नीति आयोग योजना तैयार करके इन जिलों को किसी न किसी तरह से विकसित करने का काम कर रहा है। उसी मामले में नीति आयोग हर महीने डेल्टा रैंकिंग रिलीज करता है, और उस डेल्टा रैंकिंग में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को मोटिवेट करने के लिए आगे रखा जाता है ताकि उनमें एक मोटिवेशन आए। और इसी कड़ी में हाल ही में डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है एक डेल्टा रैंकिंग में। वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें 3रा स्थान प्राप्त हुआ है आपका बीजापुर जिला को, तो वो ध्यान रखिएगा, वो क्षेत्र है कृषि और जल संसाधन सेक्टर। इस सेक्टर में बेहतर काम करने के लिए जनवरी 2020 के आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बीजापुर है। अब देखिए ऐसा है कि इस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में तो नहीं पूछे जाएंगे। क्यों नहीं पूछे जाएंगे? क्योंकि डेल्टा रैंकिंग हर महीने रिलीज होता है, तो हर महीने कोई ना कोई जिला उस रैंकिंग में आ जाता है। तो इसीलिए डेल्टा रैंकिंग अगर जारी किया जाता है तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाए। लेकिन मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से छत्तीसगढ़ के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन से छत्तीसगढ़ के जिले जो हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न भी आया था तो चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ के 10 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो। तो बीजापुर की हम लोग बात कर रहे थे जिसमें 3रा स्थान प्राप्त हुआ है जनवरी 2020 के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से। कौन सा क्षेत्र है? कृषि और जल संसाधन सेक्टर है, ठीक है। इसमें उल्लेखनीय कार्य करने के लिए जो है बीजापुर को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के बीजापुर को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है, तो बाकी कौन से जगह हैं? जैसे ममीत है मिजोरम का, हजारीबाग है झारखंड का, रामगढ़ है झारखंड का, और लतेहर है झारखंड का। ये सब ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस बीजापुर के बारे में ध्यान रखिएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर जब भी आप मेंस लिख रहे हो तो मेंस में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ज्योग्राफी में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी में। इसके अलावा आप पेपर नंबर 6 के पार्ट 3 में भी कर सकते हो, ऐसे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से ये टॉपिक आप मुख्य रूप से मेंस के लिए तैयार कर सकते हो। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जब भी आप एक्सप्लेन करो तो इन चीज़ों का जिक्र जरूर करो। जैसे 2019 में मार्च में और मई में जब रैंकिंग रिलीज हुआ था तो वहाँ पर कोंडागांव को जो है बेहतर तरीके से योजनाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए वहाँ पर रैंकिंग मिला था। तो इस सब सारी चीज़ों को वहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं हमारा कौन सा है। छत्तीसगढ़ ही में महाशिव पुराण, जो 1200 पेज का महाशिव पुराण है इसको छत्तीसगढ़ी भाषा में कन्वर्ट किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए आपको ये हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि महाशिव पुराण को छत्तीसगढ़ी भाषा में किन्हों ने कन्वर्ट किया है, किन्हों ने बदला है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये है रायपुर की गीता शर्मा, इन्होंने महापुराण को छत्तीसगढ़ी भाषा में कन्वर्ट कर दिया है, और इसके लिए जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल किया गया है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए बन जाता है, ध्यान रखना। महाशिव पुराण को छत्तीसगढ़ी भाषा में कन्वर्ट किया गया है, कन्वर्ट किया है गीता शर्मा ने, और इनका नाम जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ठीक है। गीता साहू के बारे में ये ध्यान रखिएगा, ये रायपुर की रहने वाली हैं, और इस छत्तीसगढ़ी भाषा में जो कन्वर्ट किया गया महाशिव पुराण, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। ये 1200 पन्नों का है और इसमें 24,000 श्लोकों का जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में कन्वर्ट किया गया है। और एक बात यहां पर और ध्यान रखिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो इस छत्तीसगढ़ी महाशिव पुराण का, कि इसका राज्य भाषा आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया है। और अगर आपको ये महाशिव पुराण चाहिए तो राज्य भाषा आयोग से संपर्क कर सकते हो। नाम याद रखिएगा, गीता शर्मा का प्रीलिम्स में पूछे जाने की बहुत अधिक तक संभावना है, चाहे आने वाला आपका व्यापम का एग्जाम हो या फिर किसी और प्रोफेसर का जो एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहाँ भी आपसे प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ के किसान को मिला राष्ट्रीय सम्मान। कभी भी अगर छत्तीसगढ़ को कोई नेशनल अवार्ड मिलता है ना, तो वो खासकर जो व्यापम होता है वो जरूर पूछता है इस तरह के क्वेश्चंस, तो ध्यान में रखिएगा। और सीजीपीएससी के लिए भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, सीजीपीएससी चाहे कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन है किसान, क्या है उनका नाम, किस क्षेत्र में इनको
कौन से काम करने के लिए राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? तो ये हैं बलरामपुर ज़िले के वड्रफ नगर विकास खंड के रहने वाले श्री रामलाल लहरे, ये हैं किसान का नाम। अब इनको क्यों मिला है? राष्ट्रीय नवाचार किसान सम्मान से नवाजे गए हैं। नेशनल इनोवेशन में एग्रीकल्चर सेक्टर के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया है। इन्होंने काम क्या किया है, एक मिर्च की प्रजाति है उसका नाम है जैया मिर्च। जैया मिर्च बहुत छोटे आकार का होता है, बहुत तीखा होता है, ये दुर्लभ हो चुका है, बहुत कम मिलता है। तो इसी के संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, इसी के लिए इनको जैया मिर्च के संरक्षण के क्षेत्र में जो है बेहतर काम करने के लिए राष्ट्रीय नवाचार किसान सम्मान से राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया है इनको। तो ध्यान रखिएगा, जैया मिर्च की एक खास बात बता देता हूँ कि ये एक तो बहुत तीखा होता है, मधुमेह जैसे रोगों में बहुत ये कारगर साबित होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और एक बार फसल इसका जब लगाते हैं तो ये तकरीबन 10 सालों तक फसल दे सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसमें क्या क्या आप लोगों को याद रखना है, जैया मिर्च के बारे में याद रखना है पहली बात। दूसरी बात, आपको इनके बारे में याद रखना है, रामलाल जो इनका नाम है इनके बारे में ध्यान रखिएगा, और कहाँ के रहने वाले हैं उनके बारे में ध्यान रखिएगा, और कौन सा पुरस्कार इनको मिला है राष्ट्रीय नवाचार किसान सम्मान, इनके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट का टॉपिक है, मकर भंजा आप प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा। अभी तक हमने छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा पढ़ते हैं, तीरथगढ़। हालांकि अभी तक तीरथगढ़ ही है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ से भी ऊंचा जलप्रपात ढूंढा गया है, और उस जलप्रपात का जो नाम है वो है आपका मकर भंजा जलप्रपात। ये जलप्रपात कहाँ स्थित है, जसपुर नगर जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसकी ऊँचाई कितनी है, 450 मीटर ऊँची है। इस क्षेत्र में पहुँचना बहुत दुर्लभ है, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद इस क्षेत्र में पहुँचा जा सकता है। अभी जिला प्रशासन इस पर काम कर रहा है, अभी ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि अब ये प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन जब इसकी खोज की गई है तो अब ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है मकर भंजा जलप्रपात प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा। तो अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन से जिले में खोजा गया है, तो जसपुर नगर नाम याद रखिएगा, मकर भंजा के बारे में याद रखिएगा, नदी के बारे में याद रखिएगा, कौन से नदी पर खोजा गया है, तो इस नदी का नाम है महान नदी। कौन से, चलिए महान नदी अब यहाँ पर आ गया तो आपसे एक प्रश्न बनता है, प्रश्न नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, महान नदी जो है कौन सी नदी की सहायक नदी है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। तो ध्यान में रखिएगा, किसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, मकर भंजा जलप्रपात, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपका, कांकेर जिला को मिला है राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड। ये किस लिए मिला है राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड? आपको पता है कि पूरे प्रदेश भर में सुपोषण अभियान चलाया गया 2 अक्टूबर 2019 से, लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में सुपोषण अभियान जो है पहले ही लॉन्च किया गया था, पूरे प्रदेश में 2 अक्टूबर से लॉन्च किया गया। तो सुपोषण अभियान के तहत में ही कांकेर जिले में कांकेर किलकारी नाम से एक अभियान चलाया गया, और इस अभियान को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कांकेर को राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम लोग इसके कुछ फैक्ट्स की बात करें तो जो कांकेर किलकारी है इसकी शुरुआत की गई थी सितंबर 2019 में, और इसके तहत जो है आंगनवाड़ी केंद्रों में गंभीर रूप से कुपोषित 14,433 बच्चों को सुपोषित किया गया है, उनको प्रॉपर गर्म खाना और पौष्टिक खाना दिया गया है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक के महिलाओं को भी यहां पर इस कांकेर किलकारी अभियान से जोड़कर उनको सुपोषित किए जाने का काम किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कांकेर जिला को जो राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड मिला है किस क्षेत्र में मिला है, किस लिए मिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कांकेर किलकारी जैसे सुपोषण अभियान जैसे स्कीम्स को आप लोग मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो, एसीआई या फिर कहीं और स्कीम्स में पूछा जाए तो आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हो। चलिए इसके बाद जो हमारे आज के इस वीडियो में जो हमारा लास्ट का टॉपिक है वो है आपका चित्रसेन साहू के बारे में। चित्रसेन साहू से रिलेटेड आपके प्रारंभिक परीक्षा में एक न एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती ही है। चित्रसेन साहू जो है प्रदेश के
चित्रसेन साहू जो है प्रदेश के दिव्यांग पर्वतरोही हैं। ये तो मूलतः अभी फिलहाल तो ये रायपुर के रहने वाले हैं, लेकिन ये मूलतः अंबिकापुर से आते हैं। चित्रसेन साहू अभी न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 2228 फीट और इस चोटी का नाम है माउंट कोजी अस्कू, इस पर इन्होंने सफल चढ़ाई किया है दिव्यांग होने के बावजूद भी। और ये ऐसा करने वाले देश के पहले दिव्यांग पर्वतरोही हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये ऐसा करने वाले देश के पहले दिव्यांग पर्वतरोही हैं, तो आप इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और ना सिर्फ चित्रसेन साहू ऑस्ट्रेलिया के इस सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, चित्रसेन साहू जो हैं अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर भी सफल चढ़ाई कर चुके हैं सितंबर 2019 में। अगर चित्रसेन साहू के बारे में बात करूं तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये रायपुर के रहने वाले हैं, मूलतः ये अंबिकापुर से आते हैं। 2014 में एक भाटापारा में रेलवे दुर्घटना में इन्होंने अपना दोनों पैर जो है एक एक्सीडेंट में गंवा दिया था। तो चित्रसेन साहू एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं पर्वतरोहियों के श्रृंखला में, और बहुत अधिक तक चांसेस बन जाता है यहाँ से आपसे प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये था हमारा टोटल आज का टॉपिक, जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे मैंने यहाँ पर आपको करवा दिया है। ये चित्रसेन साहू के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो, ब्लेड रनर के नाम से ये भी जाने जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पूरे छत्तीसगढ़ में ब्लेड रनर के नाम से फेमस हैं चित्रसेन साहू। तो ये हमारा पूरा आज का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर था इस हफ्ते का। इस हफ्ते में कुछ खास कंटेंट था नहीं, अगले हफ्ते होली के बाद जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे उन सबको हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर या फिर नेशनल करंट अफेयर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हर एक पार्ट को कवर किया जाएगा। 100% की गारंटी है कि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से नहीं छूटेगा अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक फॉलो करते चलते हो। तो ज़्यादा वीडियोस भी नहीं है, साप्ताहिक छत्तीसगढ़ करंट अफेयर आता है, इसके अलावा आपका साप्ताहिक नेशनल करंट अफेयर आता है, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करवाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा मैगजीन्स हो गए, इन सब माध्यम से भी आप पूरे करंट अफेयर की तैयारी हमारे साथ जुड़ कर कर सकते हो। आपकी तैयारी से जुड़ी हर एक पहलू का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। आपको करना ये है कि आप हमें सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेंस प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हो, मोबाइल कोर्स को भी परचेस कर सकते हो। तो आप हमारे साथ जुड़कर एक बेहतर कंटेंट के साथ में चाहो तो CGPSC की तैयारी कर सकते हो। घर से बाहर जाने की आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक हमें फॉलो करते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।